कोई काम नहीं किया क्या? आप बोले तो सर आपको आज तक 5 साल में मैंने देखा नहीं, उनके पास जानते भी नहीं है कैसे रखते हैं। अच्छा, हम तो देखे भी नहीं है। कार बनाया पूरे बसाई लोकसभा क्षेत्र में और इसके अलावा क्या बोलते हैं यात्री सेट बनाया, तो कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं है फालतू फालतू। जी नमस्कार, मैं अरविंद कुमार, आप देख रहे हैं अरविंद टाइम्स। अभी मौजूद है वैशाली लोकसभा। वैशाली लोकसभा में इन लोगों से जानेंगे कि क्या इस बार वैशाली लोकसभा से मीना शुक्ला या फिर बीना देवी, तमाम मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाई साहब है, क्या हाल है? ठीक है सर। अच्छे हैं? बिल्कुल सर। इस बार चुनावी जो गर्म देख रहे हैं उसी तरह का माहौल चुनाव का गर्म है, तो चुनावी गर्म में आप किनके साथ हैं? जी हम किन्हीं के साथ नहीं है, जो भी अभी विकास करेंगे उनके साथ है। विकास आज कौन कर रहा है? आज हम 5 साल से हैं यहाँ पे, हमारे माननीय सांसद जो है बीना देवी जी हैं। अच्छा, उनको आज तक हमने देखा नहीं। अच्छा, कभी भी वो जयपुर में आए नहीं, जयपुर चौक पे नहीं आया, जयपुर गांव में नहीं आया। गांव का हालत देखिए, गंदे पूरा सड़क है, आने जाने में दिक्कत है। आए दिन हमारे यहाँ गाँव में गोली चल जाती है, रोड में गोली चल जाती है। अपराध पे राज है जी, बिल्कुल अपराध पे राज है। यहाँ पे गोली चल जाती है, पुलिस जो है यहाँ पे घूमती है, 10 बजे बाद पुलिस कहीं पे नजर नहीं आएगी आपको। अच्छा, पुलिस भी उससे साठगांठ है क्या? बिल्कुल साठगांठ है। हाल ही में 2-3 महीने पहले गोली चली है हमारे जयपुर में। अच्छा, गांव के रोड में एक दुकानदार पर सुनार जो साइड पर गोली चला है, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी कुछ हुआ नहीं, कोई अपराधी अपराध जो है सीमा पे अपने। लेकिन कोई भी साइड के तरफ कोई एक्शन नहीं, कोई चीज में कोई एक्शन नहीं। रोड जो है रोड पूरा गंजर है। अपने बसरा चौक पे एक मरे हुआ सुनार जो साइड का इतना कह रहे हैं, क्या नाराजगी क्या है? मोदी जी विकास कर रहे हैं तो मोदी जी को देखिए और बीना देवी को वोट करिए। देखिए, देखने से नहीं होता, देखने से तो आप ही कभी सुंदर हो रहे हैं। आपको वोट देंगे नहीं, आपको कार के वोट देंगे हम। अच्छा, देखने से वोट नहीं होता है सर। अच्छा, आप कार कीजिए, रोड बनाइए। आज बीना देवी जी कोई काम नहीं किया है क्या? आप बोले तो सर आपको आज तक 5 साल में मैंने देखा नहीं, उनके पास जानते भी नहीं है बीना देवी कैसे लगते हैं। अच्छा, हम तो देखे भी नहीं है बीना देवी को, नहीं देखे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। बीना देवी जो बता रही है कि हम तमाम काम किए, गेट द्वार बनवाए, सारा चीज किए, आप लोग यहाँ कुछ नहीं हुआ? द्वार देंगे, द्वार बनाया पूरे बसाई लोकसभा क्षेत्र में और इसके अलावा क्या बोलते हैं यात्री सेट बनाया, तो कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं। मैंने फालतू फालतू, बारिश आएगा तो किसी के घर यहाँ रोकिएगा, ऐसे जाकर वहाँ रुक जाइएगा, ठहरने का एक व्यवस्था हो गया ना। हम ठीक है, लेकिन इसमें बहुत सारा घोटाला है, इसमें यही भी काम से हो जाएगा। सबसे प्रमुख जो है जयपुर चौक से ये पारी जाने वाली सड़क है। अच्छा, ये जो है आगे कॉलेज है, बैंक है, थाना है, इस प्रमुख सड़क है। आप सर समझिए, वोट को में बहिष्कार करना है क्या आप लोगों को? वोट में बहिष्कार, रोड नहीं है तो वोट कहीं ना कहीं देना पड़ेगा, इसलिए विचार करना पड़ेगा। बीना देवी को वोट नहीं देंगे, बीना देवी को नहीं दीजिएगा तो आपके बीना देवी के प्रतिद्वंदी मुन्ना शुक्ला जी है क्या? मुन्ना शुक्ला को वोट करिए आप लोग। मुन्ना शुक्ला जी को ठीक है, तो बीना देवी के 5 साल बैठने की है, और कल में कहीं का वोट देना है, विचार किया जाएगा मुन्ना शुक्ला जी ले जाएगा। अच्छा, जनता क्या इस बार क्या रहेगा, मुद्दे की बात रहेगा या मंदिर की बात रहेगा? मुद्दे की बात रहेगा सर, मुद्दे का बात रहेगा। इस बार जो है बीना देवी आएंगे हमारे बीच, आश्वासन देंगे, आश्वासन कंफर्म होना चाहिए, वोट हम उनको भी दे सकते हैं, मुन्ना शुक्ला को भी दे सकते हैं, जिनका हमको लगेगा, जिसमें विश्वास लगेगा उनको वोट दिया जाएगा। अच्छा, 5 साल में मैम से विश्वास था कि नहीं? मैम से विश्वास था, लेकिन विश्वास में खड़े नहीं थे, लेकिन हर एक को बार मौका मिलना चाहिए। बीना देवी जी को इस बार एक बार मौका हम लोग देंगे, एक बार और मौका देंगे। जी बिल्कुल। अच्छा, आपके भाई साहब बोल रहे हैं कि मुन्ना शुक्ला पे भी विचार करेंगे, क्या आपका भी मन उस समय तो नहीं दिल जाएगा? नहीं नहीं नहीं, देखिए किसी मुन्ना शुक्ला हो गया या फिर बीना देवी हो गए, लेकिन हम लोग विचार करेंगे। उसके बाद बीना देवी जो है एक बार गलती कर चुके हैं। अच्छा, ठीक है, एक बार मौका हम उनको देंगे। क्या उन लोग उनसे मिलना चाहेंगे आप लोग? जी बिल्कुल, जब मौका मिलेगा, कभी बुलाएंगे तो जरूर मिलेंगे उनसे। हमारे बीच आएंगे तो उनसे मिलेंगे, उनका स्वागत है हमारे बीच में। अच्छा, और लोग हैं यहाँ पे, जानेंगे क्या आप लोगों का क्या दिक्कत होता है? भैया नमस्कार, आपके मीडिया के मुताबिक मैं बता रहा हूँ। अच्छा, कि हम 5 नंबर वार्ड से हैं। अच्छा, और आज 2 साल से जो नल जल का योजना है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का है जी। अच्छा, जो भी फंड से है उससे हमको लेना देना है, लेकिन ग्रामीण इलाके में जो भी नल जल का योजना शुरू की है आज बिल्कुल विलुप्त हो चुका है, मतलब कुछ है ही नहीं।
कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। अच्छा सांसद महोदय जी क्या काम किया? अभी संसद का चुनाव है, हम तो देखे ही नहीं है, सांसद जी को भी नहीं देखे हैं, रवि जी को नहीं देखे अभी तक, नहीं। ऑलरेडी बात कर रहे हैं क्या? बिल्कुल, आज अल्पसंख्यक के इलाके में कम से कम आए, अल्पसंख्यक से मिले। अच्छा, जितने गरीब गुरबा के लोग है कम से कम उनसे तो मिले, वो अपने ही जात बिरादरी के लोगों। अरे आप बिना देवी जी को नहीं दीजिएगा, मोदी जी को देखिए, विकास मोदी जी को तो देना ही देना है, देना है, हाँ देना ही देना है। मोदी जी को देना है तो फिर बिना देवी के तो आपको वोट देना पड़ेगा, मतलब उसमें भी हम कैंडिडेट को चुन सकते हैं, जो हमारे गांव में इलाके में विकास किया है उनको भी हम चुन सकते हैं। अच्छा, लेकिन पर्सनल है वहाँ ओनली मोदी, ओनली मोदी। मोदी मोदी जी क्या, मोदी जी क्या काम किया है कि आप उनका फैन हो गए? अभी अभी का हम आपको बोलते हैं, जो 5 किलो अनाज, अच्छा उससे पहले कांग्रेस के राज में भी 5 किलो अनाज भी मिलता था? नहीं था, लूट था। उसके बाद दाल मिलता था, उसके बाद लूट चीनी भी मिलता था। आप कैसे कह रहे हैं? छोड़ दीजिए, मेरा 1983 का जन्म है। अच्छा, और उस समय से हम देख कर रहे हैं आज तक क्या किया है कांग्रेस। अच्छा, मतलब कांग्रेस ने देश जब गड्ढा में था तो उसको भरने में समय लगता है, जो घर के अंदर नहीं होता है उसको कोई नहीं देखता है। जिस समय आपातकाल की स्थिति थी उस समय कांग्रेस ने देश को आगे बढ़ा कर लिया है। आप कह रहे 70 साल में क्या नहीं किए, 10 साल में मोदी जी क्या किए बोलिए? 17 साल, 17 साल में मोदी जी जो भी कुछ किया है बहुत किए हैं, बहुत किए हैं। 70 साल में कुछ नहीं हो पाया, 70 साल में कुछ नहीं हो पाया है। आप देख रहे हैं और भाई साहब, क्या 70 साल में कुछ हुआ या नहीं हुआ? देखिए मोदी है तो मोदी ने, अच्छा ठीक है, मोदी जी को लेकर हम लोग बिना देवी जी को वोट देते हैं, इस बार बिना देवी जी को एक और मौका हम लोग देंगे, एक मौका और देंगे। बड़ी बात कही आपने। अच्छा भाई साहब, ये मौका एक बार और देंगे क्या? आप देंगे फिर की सोचेंगे, फिर दो और पांच साल उठा रहा है तो फिर दूसरे भरोसा किया, एक ही आदमी को बार बार किया। अच्छा अच्छा, दूसरे ठीक है, पांच साल मौका दीजिए, 5 साल में खड़ा नहीं होते, फिर 5 साल में कैसे होता जाएंगे? इससे अच्छा है कि नया कैंडिडेट पे विचार किया जाएगा, नया कैंडिडेट पे विचार किया जाएगा। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अनिमित कुमार राजा हुआ नाम है मेरा। मोदी समर्थक और जो बिना देवी का समर्थक भी और मुन्ना शुक्ला का भी समर्थक, विचार करने के लिए, बदलाव के लिए भी लोग प्रयास कर रहे हैं, किस पे आपका प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत अगले वीडियो में अगले खबर के साथ। धन्यवाद।